प्रयागे शतकल्पवासी, माघ महीना में तीर्थराज प्रयाग में 100 कल्पवास करे, माने 100 माघ हो गए, 100 बार कल्पवास करे माघ में, और इन सब शुभ कर्मों का अनुष्ठान करे और 1 बार श्री गोविंद नाम का उच्चारण करे, तो गोविंद नामना नभवेच्च तुल्यम। व्यास भगवान करें गोविंद नाम की समता, 1 करोड़ गायों का दान, वो भी ग्रहण के समय काशी में, स्वर्ण सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण राशि का दान, 10,000 यज्ञ, 100 बार माघ में कल्पवास, और ये सब के सब शुभ कर्म मिलकर उनका जितना पुण्य होता है, और श्री गोविंद नाम के 1 बार उच्चारण का जितना पुण्य होता है उसके 16वें अंश की बराबरी ये सब पुण्य मिलकर नहीं कर सकते। नाम अपराध में नाम की तुलना, नाम महिमा की तुलना किसी अन्य व्रत उपवास आदि से करना अथवा नाम की तुलना किसी अन्य साधन से करना, ये नामापराधों में नामापराध है। वैष्णव का धर्म है कि नाम से बढ़कर कुछ भी स्वीकार न करें। और महाराज जी श्री गोपाल मंत्र में गोविंद नाम, और नाम तो है ही पर गोविंद नाम है उसमें विशेष रूप से, और गोविंद नाम भगवान को बहुत प्रिय है। 2 बार ऐसे श्लोक भागवत जी में आए हैं, एक तो जरासंध के कारागार में निरुद्ध राजाओं ने भगवान का स्तवन किया तो भगवान से प्रार्थना की, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। और महाराज जी ये इतना चमत्कारिक मंत्र है कि कैसा भी असाध्य कष्ट हो, संकट हो, और भावपूर्वक इस मंत्र से तुलसी भगवान को अर्पित करो तो निश्चित समाधान होता है, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन हमारे ब्रज के एक महान संत थे, पूज्य श्री गिरिराजी वारे पंडित जी महाराज, पूज्य पंडित जी श्री गया प्रसाद जी महाराज, वो कहते थे ये लाला है, लाला को क्लेश नाश के लिए काहे को संकोच में डारो, पंडित जी महाराज कहते थे। इसलिए एकदम व्याकुल हो जाते थे, प्रणतक क्लेश नाश आए, क्लेश नाश की कामना मत करो, कोई इच्छा मत करो, लाल जी से कुछ मत करो, ये तो बस खेलें प्रसन्न रहें, इनते कछु कहो मत, ना अच्छी कामना की करो ना कोई दूसरी, कोई कामना मत रखो इनके साथ। तब क्या करें, यहां ऊपर आए उधर यहां आ जाए सामने। तो कहते थे पंडित जी महाराज, किसी ने पूछा महाराज जी, किसी साधक ने, महाराज पंडित जी बहुत कष्ट है, किसी ने हमको बताया है कि ये करो, तो पंडित जी व्याकुल हो गए, नहीं नहीं जिसने बताया है आप करना चाहो करो, पर हम ते पूछ रहे हो तो हम तो ये कहें केवल प्रणाम करो, बस कछु मत करो, ये सब कछु जानवे वाले हैं, कहवे की जरूरत कहा है। तो पंडित जी ने कहा हम ते पूछ रहे हो तो तुलसी तो चढ़ाओ, पर बोलो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती माता जो कह रही है कोई कामना नहीं है इसमें, गोविंदाय नमो नमः। कितना सरल साधन है कि गोविंद नाम का केवल उच्चारण मात्र कर ले तो श्री ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। वाराह पुराण में लिखा है भगवान यज्ञ वाराह भूदेवी से कह रहे हैं, हे भूदेवी वृंदावन में आकर जो मेरे गोविंद स्वरूप का 1 बार दर्शन कर देता है, वाराह पुराण का श्लोक है,
एक बार मेरे गोविंद स्वरूप का दर्शन कर लेता है तो वह पुनः किसी माता का स्तनपान नहीं करता, किसी माता के गर्भ में उसे प्रवेश ही नहीं करना पड़ता, तो मुक्त हो जाता है। वो गोविंद कौन है जो इस समय जयपुर में विराज रहे हैं? श्री गोविंद देव भगवान, जिन्हें श्रीमद रूप गोस्वामी जी महाराज ने अनुग्रह पूर्वक गोमा टीला से प्रकट किया था। पहले ठाकुर जी यहीं विराज रहे थे और कालांतर में फिर जब मुगलों का काल आया तो सुरक्षा की दृष्टि से वृंदावन के कई भगवत विग्रह वो राजस्थान में जाकर सुरक्षित। माई मेरे श्याम लग्यो संग दो। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।